हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इनके लिए फ्रॉक बुनी हुई है और बाहर से इसमें फ्लावर का लुक दिया हुआ है मैंने इसको। और ये बहुत ज़्यादा इजी ड्रेस है फ्रेंड्स, और कान्हा जी के लिए है भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि देखिए इसकी जो चोली है वो वी शेप बनाई हुई है मैंने, ताकि उनकी बाजुएं अच्छे से बाहर निकल सकें और गला भी उनका खुला सा रह सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस ड्रेस को सीखते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्लाई ऊन यूज़ की हुई है, धागा यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, ये एंकर का धागा है, पिंक और रेड कलर का मैंने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चोली मैंने बनाई हुई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी बुनी हुई है और मैंने उसमें सारा सिखाया हुआ है कि इस तरीके की चोली जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो आप लिंक देख के चोली सीख लें और फिर उसके बाद इसको जब भी आप किसी भी चोली में डिज़ाइन शुरू करें फ्रेंड्स, तो हमेशा बाजू के ठीक नीचे से, चाहे ये वाली बाजू ले लीजिए चाहे ये वाली, ताकि फ्रंट में जो है वो सफाई आए एक तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो हम अपना डिज़ाइन करेंगे यहाँ से शुरू, बाजू के एकदम नीचे से। तो जैसे मैंने आपको अपनी चोली में बताया हुआ है फ्रेंड्स, जब ये बनाई हुई है, कि लास्ट सिलाई में आप डबल डबल ले लें हर एक उसमें। ये देखिए, यहाँ मैंने हर एक उसमें डबल लिया हुआ है। अब जब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे इस घेरे को बनाने के लिए रेड कलर के, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज लीजिए और इसको एक लूप निकाल लीजिए और टाइट कर लीजिए, और ये निकाल दिया मैंने बाहर। और अब आप 3 चेन ले लें। ये देखिए, इस धागे को भी साथ में पकड़िए, ये जो वाला है, 1 2 3, और यहीं फिर से एक बार डालिए फ्रेंड्स। हमने हर एक लूप में अपने घेरे की चौड़ाई को देखते हुए हर एक चेन में हमने 2 बार क्रोशिया डालना है, 2 बार हर एक चेन में हमने डबल क्रोशेटिंग करनी है। ये देखिए, मैं हर एक चेन में जो हूँ वो डबल टाइम क्रोशेटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप डाल लीजिए इसको कॉटन के थ्रेड में। कान्हा जी बहुत ठंडा फील करते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम लोग कॉटन के कपड़ों में फ्रेश फील करते हैं ना समर्स में, वैसे ही हमारे गोपाल जी को भी अच्छा लगता है। और ये ड्रेस बहुत ड्यूरेबल होती है फ्रेंड्स, कपड़े की ड्रेस जिसमें जरी वर्क वगैरह होता है फिर भी कुछ टाइम के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस ड्रेस में ऐसा नहीं है। ये ड्रेस थ्रेड की बनी होती है, कॉटन की, और ये जितना आप इसको धोएंगे उतना ही बाहर को निखर निखर के इसका कलर और खिलता है, और ड्यूरेबल बहुत रहती है ये। ये देखिए इसी तरीके से ना फ्रेंड्स, हर एक चेन में आप 2 बार बुनिए। ये देखिए, 2 2 बार मैं हर एक चेन में डाल रही हूँ, ऐसा ही करते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाएँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा कवर कर लिया और मैं अब लास्ट में आ गई। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पहुँचे ना आप, तो ये जो हमने 1 2 3 वाला लिया है, तो यहाँ पर आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, ये कुछ इस जैसे तरीके का आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी, अगर आप ये किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए आप बना सकते हैं। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं तो देखिए, आपका जो ये घेरा है, आप एक सिलाई और दीजिए और कंप्लीट हो जाएगी छोटे गोपाल जी के लिए। और रही चोली की बात, तो अपने कान्हा जी की बाजुओं का और गले का साइज़ देखते हुए, जैसे मैंने ये 6 चेन की चोली बनाई हुई है, आप 7 की बना लीजिए, 8 की बना लीजिए, या 5 की बना लीजिए छोटे कान्हा जी के लिए। तो ये देखिए, अगर छोटे गोपाल जी हों तो इसके बाद एक सिलाई और दीजिए, और आप ये जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर लगभग बुना हुआ है वैसे बना लीजिए। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आप ऐसे ही, पहले मैंने जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 घेरे मैंने लिए हुए हैं, तो आप ऐसे 3 4 अपने कान्हा जी की लेंथ के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सिलाई में देखिए क्या करना है। अब आप 3 चेन ले लीजिए, 1 2 3, और अगली वाली चेन में, जैसे ये मैंने बुन लिया हुआ है ना, तो अगली वाली चेन में इसको डबल क्रोशेटिंग करनी है। यहाँ हमने 2 बार बुनना है ऐसे को। ये देखिए, अब प्लेस लीजिए, अगली वाली चेन में एक ही बार डालेंगे हम। ये डाल दिया एक बार में, अब अगले वाले में ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आएगा हमारा। ये देखिए, पहले मैंने 1 चेन बुनी,
फिर मैंने एक ही चेन पे दो बार बुना, अगली चेन में मैंने एक बार बुना, अब अगली चेन में मैं दो बार बुनूंगी, डबल बार डबल क्रॉशेटिंग करूंगी। ये देखिए एक और ये दो। अब अगली चेन में एक ही बार हम डबल क्रॉशेटिंग करेंगे और अगली वाली में दो बार, एक और दो की रेशो से आप इस सारे को बुनेंगे। ये देखिए एक दो, एक दो, ये एक, ये दो, है ना। तो पूरी लाइन हम इसी रेशो से कंप्लीट करेंगे, ये वाली, ये देखिए ऐसे को एक, अगली वाली में दो, इसी तरीके से आप पूरी लाइन कंप्लीट करके यहाँ एंड तक आ जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये चक्कर भी पूरा हो गया और अब हम एक दो तीन जो हमने यहाँ पे बुना हुआ है उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे को। और ये वाली जो ड्रेस है इसमें मैंने देखिए दो ही लाइंस डाली है, ये छोटे गोपाल जी के लिए हम बनाएंगे। अब जैसे ये मैंने बड़े गोपाल जी की ड्रेस बुनी हुई है ना फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए मैंने तीन घेरे बुने हुए हैं, एक दो तीन। तो जैसे मैंने ये वाला घेरा बुना ना लास्ट वाला, ये जो तीसरा घेरा है ये भी ऐसे ही बुनना है। जैसे एक बुन लिया एक वाली चेन में, फिर अगली चेन में दो डाल दिए, फिर अगली चेन में एक, और उसी तरीके से आपका ये घेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अब ये फ्लावर बनाऊंगी, बनाना सिखाऊंगी आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन लिए हुए हैं ये, और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे मैंने नीचे यहाँ लिया ना, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। देखिए एक चेन बुनी, फिर अगले पे मैंने दो बनाई हैं, फिर एक बनाई, फिर मैंने दो बनाई। इसी तरीके से जितने बड़े आपके गोपाल जी हैं उतने आप चक्कर इस तरीके से काट सकते हैं। तो अब मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो यहीं ख़त्म करूँगी इसको। और जैसे मैंने एक चेन ली हुई है ऑलरेडी, एक और ली, और हम इस थ्रेड को यहाँ पर काट देंगे और इसके बाद जो है हम अपनी बीडिंग पे काम करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ये काट दिया और ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए छोटे वाला। अब हम ये जो मैंने इस ड्रेस में बनाए हुए हैं ना फ्रेंड्स, ये वाली पत्तियाँ, इनको बनाएंगे अब हम इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिंक थ्रेड से बुना हुआ है तो पिंक थ्रेड लेते हैं। ये फ्लावर बहुत इजी है, आप और भी लगा सकते हैं अपनी क्रिएशन से, जो भी आपको पसंद हो किसी भी तरीके का फ्लावर। तो देखिए क्या करना है, पहले चेन ऐसे डालिए क्रोशिया अंदर और यहाँ पर जो है आप एंटी क्लॉकवाइज इसको लीजिए ऐसे को, और एक चेन लीजिए ऐसे, और ये बाहर निकाल दिया यहाँ से। अब यहाँ पर मैं तीन चेन लूँगी, दो तीन, और अब प्लेस लूँगी। और जैसे इस वाले में डाला ना, अब अगली चेन में ये देखिए ये यहाँ पे बुना ना मैंने ये, अब मैं यहाँ डालूँगी इस चेन के अगले हिस्से में प्लेस लूँगी, और फिर से यहाँ पर हम अगले वाले चेन में डबल क्रॉशेटिंग करेंगे। ये कुछ हमारा इस तरीके का आएगा। देखिए अब हम तीन चेन फिर से लेंगे, एक दो तीन। अब ये जो हमारे पास खाली पोर्शन है ना, यहाँ पर हम पांच बार डबल क्रॉशेटिंग करेंगे। दो दो हो गए ना, एक तो ये वाली चेन हो गई ना हमारी, दूसरी ये हो गई, और ये तीन, चार। आप बड़ी पत्ती बनाना चाहें तो बड़े ले लेते हैं, दो चार पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ, क्योंकि मेरा थ्रेड पतला है तो मेरी लीफ जो है वो छोटी आएगी अदरवाइज़। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लिए मैंने। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जो हैं जैसे स्लिप स्टिच करेंगे, ये जो हमने चेन यहाँ पे ली हुई है ना ये वाली, यहीं डालेंगे इसको और ऐसे निकाल लेंगे और स्लिप स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके की। ये देखो तो हमारी पेटल कुछ ये इस तरीके की खड़ी हो गई। अब हम फिर से तीन चेन लेंगे यहीं पर ही, एक दो तीन, तीन चेन ले ली ना मैंने। अब ये तो यहाँ पे ले ली मैंने, अब ये जो अगला है ना फ्रेंड्स, अगली चेन है देखिए यहाँ पे, ये मैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो चेन है ना ये यहाँ डाल देंगे इसको और डबल क्रॉशेटिंग कर लेंगे,
और हमारे पास ऐसा लूप तैयार हो जाएगा एक, ये इस तरीके का। अब फिर से तीन चेन लेंगे और यहाँ पे हम 8 बार डबल क्रोशेटिंग करेंगे, बीच में डालेंगे, देखिए 2 ये 3 ऐसे, 4 5 6 7 और ये 8, ये देखिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको छोटी पेटल चाहिए हो ना तो आप छोटे कम बुन लीजिए, 5 बुन लीजिए, मोटा थ्रेड हो तो कम बुन लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसी में ही डाल देंगे फिर से और स्लिप स्टिच के थ्रू निकाल लेंगे। अब फिर से 3 चेन लेंगे और अगले वाले में यहाँ पे इसमें फिर से डबल क्रोशेटिंग करके एक लूप बन जाएगा हमारा। अब फिर से यहाँ पे 8 बार डाल दीजिए और इसी तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं सारे, ये देखिए, ये मैंने अभी मैंने ये असेंबल नहीं किए हुए हैं, जस्ट मेरे ये फूल तैयार हो गए हैं, तो आपकी ड्रेस कुछ इस तरीके की बन जाएगी ये। तो देखिए अब हम इनको असेंबल करना सीखेंगे, ये जो हमारी लीव्स है ना, जैसे यहाँ पर मेरी देखो मैंने यहाँ पे असेंबल की है थोड़ी सी, तो ये कुछ इस तरीके की आएगी। तो मैं इस ड्रेस पे आपको सिखाऊंगी अब कि इन लीव्स को ऐसे कैसे लाना है ना। चलो तो देखते हैं, पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको बंद करना सिखाती हूँ, जैसे आपकी सपोज सारी पेटल्स बन गई हैं, है ना, और आप यहाँ लास्ट में आ गए, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके का होगा, देखिए ये इस तरीके का वर्क होगा। तो आप यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लीजिए ये ऐसे को, है ना, कर लिया ना फ्रेंड्स। अब आप अपने प्रोजेक्ट को मोड़ लीजिए ऐसे को, उल्टी साइड कर लीजिए, देखिए मैंने उल्टी साइड कर ली और जिस साइड से शुरू किया हुआ है ना, ये देखिए ऐसे था। मैं फिर से आपको एक बार बताऊं, ये ऐसे को है ना, यहाँ पे बंद हुआ ना मेरा, तो इसको यूं फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना क्रोशिया डालिए और देखिए अब क्या करना है। अब आपने यहीं से ही पीछे को हट जाना है, यहाँ से हम इन पेटल्स को असेंबल करेंगे, आगे को नहीं आना है, यहाँ नहीं जोड़ना है आगे। तो अब आप 3 चेन लीजिए, 1 2 3, बैक साइड से जुड़ेगा। अब ये देखिए ये बैक है, ये फ्रंट है इसकी, ये बैक है इसकी, है ना। तो अब देखिए आपने क्या करना है, 3 चेन ली ना, तो देखिए हर एक जब हम लूप बना रहे थे ना, जैसे मैं इस ड्रेस में दिखाऊं आपको, ये देखिए ये जो लूप बना रही थी ना मैं यहाँ पे, तो ये वाला लूप खाली बचता है हमारा। तो इन खाली लूप में देखिए, इस वाली में ये है, ये खाली लूप मेरा, यहाँ पे 3 चेन ली है ना मैंने, तो मेरा ये खाली लूप है देखिए यहाँ पे। तो इस पेटल को बैक साइड में करते हुए ऐसे रखिए, है ना, और ऐसे निकालिए और स्लिप स्टिच कर दीजिए ऐसे को, देखिए मैंने ऊपर डाला है, ये नीचे नहीं डाला है ना। अब फिर से 1 2 3 और अगली वाली पेटल पकड़िए और ये जो खाली जगह है यहाँ पे, यहाँ पर आप स्लिप स्टिच के थ्रू निकाल दीजिए, 1 2 3, 3 3 चेन पे के बाद ये यहाँ डाला, बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी। 1 2 3 और अगले वाले में ये ऐसे को, तो देखिए ये जो हमारी पेटल्स है ना, ये असेंबल होना शुरू हो गई, ये देखिए ये ऐसे को, नहीं तो ऐसे देखो कैसी दिख रही हैं, ये उबड़ खाबड़ सी। और जब ये मैं जोड़ना शुरू कर दी, मैंने ये पीछे से इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई, तो ये अपने आप असेंबल हो जाएंगी, ये देखिए ऐसे 1 2 3, अगले वाले में ऐसे ऐसे करिए, देखिए ये यहाँ डालिए और ऐसे करिए और ऐसे को, ऐसे ही आप ये सारी पेटल्स 3 3 चेन के हिसाब से ऐसे बैक साइड से इनको आपस में ऐसे को जोड़िए आप, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से जुड़ना शुरू हो जाएगी, ऐसी लाइन आना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए ऐसे ही हम और आप जोड़ते हैं इसको मिलके, ये जोड़ते हुए आप यहाँ तक आ जाइए, ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये सारा जॉइन हो गया, मैं लास्ट में हूँ यहाँ पर, ये देखिए जब हम इस पोजिशन पर पहुँच जाएंगे ना, तो जो हमारी ये पेटल का ये वाला हिस्सा होगा, देखिए यहाँ पे दूसरी चेन का, यहाँ से हम निकालते हुए स्लिप स्टिचिंग कर देंगे और 2 चेन लेते हुए इसको हम काट लेंगे यहाँ पे अपने थ्रेड को, ये इस तरीके से। और अब देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा हुआ तैयार, ये देखिए यहाँ पर
इसको इनको पेटल्स को आप इस तरीके से बिठा लीजिए। अब देखिए ये ऐसे को, ये देखिए अब ये ड्रेस कुछ इस तरीके की हमारे सामने तैयार है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर करवाना चाहूँगी, ये जो हमने जैसे मैंने एक एक चेन के बाद बोला ना आपको बुनने के लिए यहाँ पे कि एक चेन के बाद ऐसे लूप ले लीजिए, जैसे देखिए ये वाला ना, अगर आपको ये बहुत नज़दीक लगे तो आप बीच बीच में स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक चेन स्किप करने के बाद ही लेना है। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी इकट्ठी हो रही हैं, ये वैसे हुई नहीं है, देखो मैंने जो है वो हर एक चेन के बाद बुनी है, लेकिन कई बार हमारा हाथ लूज होता है, टाइट होता है, उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा प्रोजेक्ट कि हम किस तरीके से क्रॉशेट कर रहे हैं। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि अगर आपको लगे कि मेरे ये जो फ्लावर की पेटल्स हैं ये बहुत ही नज़दीक आ रही हैं और बहुत इकट्ठी हो रही हैं, तो आप दो दो छोड़ लें इस तरीके से। पर जब हमने ये देखिए ऐसे बैक साइड से जोड़े ना, ये देखिए ये जब हमने बैक साइड से जोड़े ना, तो ये कितने अच्छे तरीके से असेंबल हो गई हमारी ड्रेस। ये देखिए ऐसा फ्लावर मैंने फ्रेंड्स अपना जो अपने वीडियोज़ में सिखाया हुआ है बनाना ऐसे पेटल्स वाला फ्लावर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया हुआ है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, और वैसे फ्लावर्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने अनमोल कमेंट्स ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच।